पूरा दिमाग से बनाते हैं, वी डोंट हैव एनी फोटोग्राफ्स। ब्लू हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। ये है हमारा राजस्थानी थाली, ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। ऐसे मैं फोटो वीडियो ले रहा हूँ तो कोई इशू तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम। अभी जो मैंने आपको वुमेन दिखाई थी वो विश्नोई वुमेन है, उनका पहनावा इसी तरीके का होता है। तो एक रेफरेंस के लिए मैंने आपको दिखा दी कि विश्नोई वुमेन दिखती कैसी है। अभी हम जा रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पे, जहाँ की हम क्या देखेंगे अशोक भाई? दरी का काम। वहाँ पे हम दरी का काम देखेंगे और उसके बाद क्या लंच भी करेंगे? लंच भी करेंगे। और ये हमारा आखिरी स्पॉट है विश्नोई विलेज के अंदर। अब हम प्रॉपर पहुंच चुके हैं राजस्थान की गलियों में, प्रॉपर विलेज में पहुंच चुके हैं। और इस विलेज में हम किसकी वजह से पहुंच चुके हैं? ये है हमारे भाई अशोक भाई, ये हमें अपने घर ले जा रहे हैं। और इनके घर अभी हम दरी का काम देखने वाले हैं। आप देखेंगे बिल्कुल, वहाँ पे आपका ऑथेंटिक लंच होगा। ऐसा लंच होगा जो रेस्टोरेंट के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो आज का लंच हम करेंगे अशोक भाई के यहाँ। काफ़ी मज़ा आ रहा है मतलब ये सारी चीज़ें देख के अशोक भाई। मतलब यहाँ से जाने के बाद ऐसा लग रहा है कुछ दिनों तक तो मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा कहाँ थे और कहाँ आ गए। और ये इस गांव की गलियों से गुजरते हुए राहुल पांडे, एक इतिहास बन गया है राहुल पांडे। 30 अगस्त 2021 को आए थे ये, हम अशोक भाई के घर आ चुके हैं और यहाँ पे हम सारी चीज़ें अभी देखने वाले हैं। तो घर इतना अच्छा है भाई, अशोक भाई आपका तो बहुत बढ़िया घर है। पहुँच गए भाई अशोक भाई के घर, कोई दिक्कत नहीं है, बैग पड़े रहने दो। ठीक है, हमने अपना बैग इसी गाड़ी में रख दिया है और यहाँ से चलते हैं अंदर। जी जी। और ये है अशोक भाई का घर। ये हमारा होम स्टे है। हाँ, हम होम स्टे रनिंग कर रहे हैं 2009 से। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है? हाँ, ऑनलाइन अवेलेबल है ना। और हमारा होम स्टे इंडिया के अंदर टॉप 10 में आता है। क्या नाम है इसका? छोटा राम प्रजापत होम स्टे। देखने में काफी एकदम मस्त लग रहा है। अंदर से दिखाता हूँ आपको। जी, तो बाहर से इतना अच्छा लग रहा है तो अंदर से तो अच्छा होगा। अंदर से तो वाकई मेरे को ऐसा लगता है 100% का 200% अच्छा होगा। पूरा कच्चा है जी, ये काउडंक है, मिट्टी से बना हुआ है। जी जी, वॉशरूम है अंदर। तो इसके अंदर पूरी शहर वाली मतलब फैसिलिटी है। यहाँ पे देखो कूलर भी लगा हुआ है, इसके अंदर ऐसी खिड़की भी है। और ये कुछ ऐसा दिखता है अंदर से होम स्टे, जहाँ पे आप लोग आके रह सकते हो। मैं तो फिलहाल अभी 2-3 दिन जोधपुर में रुका हूँ, आखिरी दिन मिला हूँ अशोक भाई से, वरना मैं यहीं पे स्टे करता। ये यहाँ पे मॉडर्न तरीके से वॉशरूम भी मिल जाएगा आपको। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हैं हम। और एक चीज मैं आपको और दिखाऊं, मतलब आपने शहरों में क्या ही बाथरूम बनवाया होगा। ये देख रहे हो इतना बड़ा बाथरूम, इतने बड़े तो शहरों में कमरे होते लोगों के। और ये अशोक भाई का बाथरूम देखो तुम, मतलब यहां से लेके वो वहां तक, मतलब इसमें तो यार एक साथ यहाँ 10-15-20 लोग नहा लेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये। और ऊपर यहाँ पे देखो ये कपड़ा लगा हुआ है टेंट का शायद, और यहाँ पे ये पंखा भी लगा हुआ है यहाँ पे, और ये हाथों से कलाकारी की गई है यहाँ पे। हमने घर वालों ने किया है पूरा। अच्छा, ये आपके घर वालों ने पर्सनली बनाया हुआ है? ये हमारे घर वालों ने किया है पेंटिंग। हाँ। और ये काउडंक लेपन है जो मेरी मदर, मेरे भाभी जी वगैरह वो साथ में मिलके बनाते हैं। अच्छा, ये जो लेप है ये गोबर से मिलता है ना? हाँ। हमारे गाँव में भी ऐसे होता है। अच्छा। मेरी मम्मी वगैरह करती है, काफी सही है। ब्लू हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, यहाँ पे भी हमारे पास ब्लू है, ब्लू सिटी जोधपुर। ये दूसरी गाड़ी भी आपकी की है? हाँ। दो गाड़ियाँ आपके पास? हमारे पास में 5 जीप है। अच्छा, 5 जीप है आपके पास, सही है। अब हम दरी का काम देखने वाले। अभी हम दरी का काम जी जी। ब्रदर है? अच्छा ब्रदर, नमस्कार जी। नमस्कार, बढ़िया, बहुत बढ़िया।
मतलब ऐसा लग रहा है ना कहाँ आ गया हूँ मैं, मतलब एकदम जन्नत में आ गया हूँ ऐसा लग रहा है। जो हमारा भी गांव है ना वो भी इतना अच्छा नहीं है जितना ये अशोक भाई का घर है, और ये प्रॉपर मतलब बिश्नोई विलेज में आ गया हूँ मैं। अभी अशोक भाई के जो बड़े ब्रदर हैं वो मुझे दरी का काम यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे होता है। जो अपनी खुशी है ना वो मतलब बस बयां नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इतना ज़्यादा खुश हूँ मैं। ऐसे सोचता हूँ यार अपने गाँव में भी मतलब ऐसी सारी फैसिलिटी हो, मतलब फैसिलिटी मतलब यहाँ ना कलाकारी इतनी ज़्यादा है ना कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और ये यहाँ पे है दरी बनाने का काम, कुछ इस तरीके से होता है, जो कि आके वो मुझे अभी बताएंगे। ये सारे औजार हैं दरी बनाने के लिए, धागे को सही से लगाने के लिए। और ये देखो इतनी तरह की धागे और रस्सियाँ मतलब सारे यूज़ होते हैं दरी बनाने के लिए। एक एक धागा अभी दिख रहा है हमें ऐसे, और वो कुछ बनने के बाद इन औजारों का यूज़ करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखने लगता है, जो कि हम शहरों में यूज़ करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आपको दिखाते हैं दरी का काम। जी बिल्कुल। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से। क्या नाम है भैया आपका? छोटा राम प्रजापत। अच्छा अच्छा जी, छोटा राम जी, मैंने आज सुबह ही आपकी वीडियो देखी थी। आप किसी को मतलब एक राइडर आया था कोई, उसको आप ले गए थे वहाँ पे जंगल। हाँ 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 हाँ, मैंने अच्छा आज सुबह ही देखा था आपका वीडियो। पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब किसी की वीडियो देखी है तुरंत इतने जल्दी उस आदमी से मिल भी लिया। अच्छी बात है जी। मैं उस साइड चला जाऊँ? हाँ हाँ, यूट्यूब पे मैं देख रहा था कि सफारी कैसे होती, तो उसमें आपका वीडियो आ रहा था। अच्छा अच्छा, ये मतलब काम आप कितने सालों से मतलब कर हमारा रहे हैं? ये एक्चुअली पुश्तैनी काम है। कितनी पीढ़ियों से चल रहा है ये काम आपका? सिंस 700 इयर्स। 700 इयर्स, जनरेशन टू जनरेशन। अच्छा, तो लगभग कितनी जनरेशन हो गई होंगी? एटलीस्ट 12-13 जनरेशन तो ही होगी। 12-13 बहुत ज्यादा हो गया है तो। और सबने सेम प्रोफेशन किया, ये बहुत बड़ी बात है। सेम प्रोफेशन किया, बस इसके अंदर चेंज जो हमने किया अभी मटेरियल के अंदर और डिजाइन के अंदर। पहले तो सिर्फ कैमल का वूल यूज लेते थे ऐसा। ये कैमल वूल है। कैमल वूल है ये? अच्छा, काफी अलग है ये नॉर्मल रस्सी से। जी जी। एक अभी हम लोग लेते हैं कॉटन, कैमल वूल भी लेते हैं, कॉटन भी लेते हैं। ये है कॉटन। ये भी लेते हैं कॉयर। इसको क्या कहते हैं? कॉयर, कोकोनट फाइबर। अच्छा, कोकोनट फाइबर है ये। हाँ, इसका भी हम लोग दरी बनाते हैं। इतना सॉफ्ट है ये तो छूने में। हाँ हाँ। ये इतना सटीक मतलब डिजाइन कैसे बना लेते हैं आप? मतलब ये बनाते बनाते आदत हो गई है? आदत हो गया, पुश्तैनी काम है ना, पूरा दिमाग से ही बनाते हैं। वी डोंट हैव एनी फोटोग्राफ्स। इतनी बहुत ड्यूरेबल होती है लाइफ टाइम के लिए। अच्छा, जो आपके फैमिली में जो मेंबर हैं वो मतलब किस उम्र से इस काम में मतलब इंक्लूड हो जाते हैं? 15 साल के बाद। अच्छा, 15 साल की उम्र के बाद ये काम मतलब सीखना स्टार्ट कर देते हैं, करने लग जाते हैं? सीखने में 3-4 साल लग जाते हैं। अच्छा, 3-4 साल में इसको सीख लेते हैं। तो डेली आप कितने घंटे ये काम करते हैं? 8-10 घंटे। एक दरी कितने टाइम लगता बनने में? लगभग एक महीना ये जो दरी बना रहे हैं 3x5 फीट का। इसका कॉस्ट क्या पड़ता होगा? अराउंड 5000 रुपीस। 5000 रुपीस। आप ये प्रेस कर रहे हैं तो ये हमेशा के लिए फिक्स हो गए, धागा निकलेगा नहीं कभी? बिल्कुल नहीं निकलेगा। अच्छा, इतना टाइट विंग होता है कि इसके अंदर बीच में होल भी कर देंगे तो इंक्रीज नहीं होगा। अच्छा, जो धागा जहाँ पे है वही रहेगा? हाँ, खाली होल वहीं पे होगा जहाँ हम करेंगे। Exactly. तो अभी हमने देखा कि दरी का काम यहाँ पे कैसे होता है। शहरों में हम बस खरीदते हैं और यूज करने लग जाते हैं, लेकिन उसके पीछे इतनी ज्यादा मेहनत लगती है, जो कि अभी छोटे राम जी ने हमें बताया और उसका रॉ मटेरियल भी दिखाया कि क्या क्या यूज़ होता है, कितना टाइम लगता है। अभी देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कर पाते हैं। जो भी करूँगा वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और देख रहे हो इतनी मेहनत लग रही है यार वीडियो बनाने में। नए लोग तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार और लाइक कर दो यार वीडियो को। और आज का हमारा जो लंच है बिश्नोई विलेज के अंदर ही होगा, अशोक भाई के घर पे। प्योर एकदम राजस्थानी खाना है, चूल्हे पे बना हुआ। अभी ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। आप लोग भी बैठिए ना साथ में। आप लीजिए। मैंने अपना। अच्छा, आप लोग साथ में खाएंगे, थोड़ा सही लगेगा मेरे को। अकेले थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। मैं यहाँ से करके फिर आपको पिकअप के लिए लेंगे। अच्छा अच्छा, लंच है ना डिनर है। अच्छा, आप लीजिए। अच्छा, इसमें मेरे को थोड़ा बताएंगे कौन सी चीज क्या क्या है? हाँ, ये आपका राजस्थानी थाली है जी। और ये जो ये पीस है ना, ये ना बाजरे की रोटी है। बाजरे की रोटी है जो मिलेट ब्रेड बोलते हैं जी। और ये कड़ी है। कड़ी है। और ये ना केट सांगरी की सब्जी है। केट सांगरी। हाँ, जो ये लंबा वाला ना। हाँ, ये ना बीन्स है और बीन्स को बोलते हैं हम लोग सांगरी।
सांकरी जो ये ना एक लंबे पेड़ से निकलती है। अच्छा और वो पेड़ ना हमारे यहाँ पर कहीं साइड में ना पाया जाता है। अच्छा ठीक है, ट्राई करते हैं इसको हम। काफी अच्छा है, बाजरे की रोटी और कड़ी खाने में बहुत स्वाद आ रहा है, एकदम बीन्स जैसे बिल्कुल। सांगरी की सब्जी भी बहुत ज़्यादा एकदम टेस्टी है। आप लोग जब भी राजस्थान में कहीं भी घूमने जाओ, आप एकदम प्रॉपर गांव में जाके इसका फील ले सकते हो। शहर में जिस रेस्टोरेंट में आप खाना खाओगे ना, तो ये वाला फील नहीं आएगा, ये प्रॉपर चूल्हे पे बना हुआ है। अभी मैं खाता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है विश्नोई विलेज का घर, और ये एक तरह का ना मतलब होम स्टे है। घर तो इस साइड है और ये दूसरा वाला होम स्टे है जहाँ पे आप लोग आके रह सकते हो। ये प्रॉपर अंदर से ना जैसे होटल वगैरह होते हैं शहरों में वैसे ही है, बाकी ये बाहर से प्रॉपर इसको विश्नोई कम्युनिटी का लुक दिया गया है और काफ़ी मतलब बेहतरीन है देखने में। मेरे को एकदम बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया यार विश्नोई विलेज घूम के। आपको भी अगर कभी मौका मिले तो इस विलेज में एक बार ज़रूर आइए और रात रुकिए। मैं तो रात नहीं रुक रहा हूँ क्योंकि शाम की मेरी यार ट्रेन है, फिर कभी मौका मिलेगा ज़िंदगी में तो ज़रूर आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैंने खाना खाया, बाजरे की रोटी और कढ़ी। तो अब हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं दोबारा जोधपुर के लिए। बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देख ली, बस चलते हैं। अच्छा जी चलते हैं जी, राम राम। फाइनली अब हम विश्नोई विलेज वाली वीडियो को एंड करते हैं और अशोक भाई के जाने का टाइम आ गया है। बाय बाय अशोक भाई। अगर किसी को भी विश्नोई विलेज अगर घूमना हो तो अशोक भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको आप कांटेक्ट करके जोधपुर आके घूम सकते हो पूरा। तो कैसी लगी वीडियो? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे यूट्यूब की दुकान से। अभी फिलहाल मैं आ गया हूँ यार रेलवे स्टेशन, तो इसलिए ये साउंड आ रहा है। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।